बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, मैं इमरान अली टेक्निकल हंटर यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीन कहता हूं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है Fx3u PLC इंडस्ट्रियल बोर्ड जो है उसके एनालॉग को स्कैन करना है। हमने 0 से 10 वोल्ट हमने स्कैन करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, कोई पार्ट स्किप नहीं करना। तो मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि कैसे आप इसका एनालॉग जो है स्कैन कर सकते हैं 0 से 10 वोल्ट, ठीक है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे वही गुजारिश है, अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबा दें ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ से ये PLC के जो डायग्राम है वो है, यहाँ से मैं आपको बताऊँगा। ये इसकी जो DC पावर सप्लाई है, ठीक है, 24 वोल्ट की आपने पावर सप्लाई देनी है। यहाँ से ये D माइनस पे नेगेटिव और D प्लस पे पॉजिटिव दे देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ग्राउंड है AD की, ठीक है, ये वाली, और यहाँ से AD0, AD1, AD2, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप AD2 तक जो है आप 0 से 10 वोल्ट स्कैन करेंगे और बाकी जो नीचे 3 है उस पर 4 से 20 mA स्कैन कर सकते हैं। तो इसमें जो बिट्स आएंगी वो हमारे पास 0 से लेकर, ठीक है, 40-95 तक बिट जो है वो हम इसमें रीड करेंगे, ठीक है। 0 से लेकर 10 वोल्ट की इतनी बिट जो हमारे पास आएंगी वो इतनी आएंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप मेरे पास जो ढोल का सेंसर है उसको 24 वोल्ट सप्लाई दे दिए, तो यहाँ से आपने नेगेटिव ले लेनी है और यहाँ पे दे देनी है, ठीक है। और जो आपके सेंसर की आउटपुट होगी, ठीक है, आउटपुट जो होगी उसकी, तो वो आपने यहाँ से या AD0 पे दे देनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसके कनेक्शन कर लेने हैं। अब चलते हैं हम सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम GXWork2 खोलते हैं, यहाँ से फिर वही सेलेक्ट करते हैं Fx3u सेटिंग और Fx3u हमारी PLC है, ठीक है। कनेक्शन की सेटिंग कर लेते हैं, COM4 पे लगा हुआ है हमारा और जो हमारी जो बड रेट है वो 38.4 है, ठीक है। कनेक्शन टेस्ट करते हैं, कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया, ओके कर लेते हैं, ठीक है। अब इसकी मैं आपको एक मैनुअल दिखा देता हूँ जो इन्होंने दी हुई है। ये इसके एनालॉग आउटपुट रीड करने के लिए जो कमांड है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ठीक है। यहाँ पे एनालॉग और इनपुट रीड कर सकते हैं। RD3 है जो कमांड है, इसके ज़रिए हम एनालॉग इनपुट रीड कर सकते हैं, ठीक है। और M8011 जो इसका है 10 मिली सेकेंड का पल्स, इसके साथ हम रीड करेंगे, ठीक है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने नीचे लिखा भी हुआ है M1 जो है मॉड्यूल नंबर है, आपने मॉड्यूल नंबर कौन सा देना, K0, क्योंकि इसमें बिल्ट इन है तो ये K0 ही होगा, ठीक है। और जो M2 है, ये M2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। K1 तो इसका आपने बताना है कि कौन सा आप चैनल जो है वो K0 जो है वो आप रीड कर रहे हैं, मतलब कौन सा इसका मॉड्यूल AD0 कर रहे हैं या AD1 कर रहे हैं या AD2 कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपके, ठीक है, इनपुट का नंबर होगा। और यहाँ पे जो हमारा डाटा है वो आएगा, डाटा रजिस्टर जो है D0 जो है D पे वो आएगा, ठीक है। तो अब हमें इधर रीड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देते हैं हम इनपुट पॉइंट, ठीक है, 8011, ठीक है, ये हमारा, ठीक हो गया, ये आ गया। अब हम इधर से निकलते RD3A, ठीक हो गया। K0 हमारा मॉड्यूल नंबर है, K1 जो है वो हमारा फर्स्ट चैनल है, ठीक है, चैनल नंबर है, और D0 में हमारा डाटा आएगा, ठीक हो गया। अब हम इसको करते हैं कंपाइल, और कंपाइल करने के बाद इसको कर देते हैं PLC में ट्रांसफ़र, ठीक है। ये हमने PLC में कर दिया ट्रांसफ़र, ये ट्रांसफ़र हो रहा है। अब करते हैं ओके और इसको करते हैं क्लोज, ठीक है। इसकी करते हैं हम सिमुलेशन स्टार्ट,
ये हमने कर दी सिमुलेशन स्टार्ट। तो जहाँ दोस्तों चैनल पे ल्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, पीएलसी के मतलब वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। तो इसकी सिमुलेशन हो रही है स्टार्ट। कुछ नहीं आया, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पे हमारा मॉड्यूल चैनल नंबर जो है वो है 0, ठीक है, तो चैनल नंबर हम 0 से स्टार्ट हो गए, 5 तक इसमें एडी हैं, तो इसलिए थोड़ी सी गलती हो गई थी। चलें दोबारा से इसको पीएलसी में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट। तो ये हमने कर दिया ट्रांसफ़र, ये हमने इसकी सिमुलेशन कर दी स्टार्ट। तो ये देखिए, ये हमारे पास बीट्स आना शुरू हो गई हैं। मैं अभी सेंसर को थोड़ा सा गर्म करता हूँ, तो ये देखिए हमारी बीट्स ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने चैनल को एनालॉग को रीड कर सकते हैं। अब आपको ये जो 10 वोल्ट पे जो है ये आपको मिलेंगे दोस्तों 40-96 बीट्स। तो अब आपने उसको तकसीम करके या मल्टीप्लाई करके वो आपने जिस तरह की चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसी तरह का आपने फार्मूला लगाना है और आपके ये जो है वो निकल आएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।